गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग डिस्कस करके आए थे आपके पास कि कंडक्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। कंडक्टेंस आपके पास क्या होगा, क्या नहीं होगा, और उससे रिलेटेड हमने यहाँ दो चार बातें पढ़ी थी कि कंडक्टेंस आपके पास अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इन ए सॉल्यूशन, तो आपके पास मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी क्या होगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होगी, तो उसको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। और एक फार्मूला आपके पास सारे डिफाइन किया कि मैंने सारे फार्मूले यहाँ लिख दिए। एक फिजिकल क्वांटिटी थी, हमने कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा, हमने कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा, हमने सेल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ी हमने, आपने मोलर कंडक्टेंस पढ़ा, आपने रेजिस्टिविटी यहाँ पर स्टडी की, आपके पास लास्ट में यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े, जैसे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हम लोग स्टडी किए। तो सबके फार्मूले मैंने आपको लिख रखे हैं यहाँ पे। हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, सारी CGS यूनिट है, ध्यान रखना CGS यूनिट है। इसकी आप SI यूनिट भी लिख सकते हो, जैसे ये इसकी SI यूनिट है, तो थोड़ा यहाँ फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, किताब में आपको SI यूनिट भी लिख रखी है, इसी का मॉडिफिकेशन है थोड़ा सा, कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना। तो कंडक्टेंस आप लोग पढ़ के आ चुके थे, कंडक्टेंस आपके पास C से डिनोट कर रहे थे, 1/R था, R रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और रेजिस्टेंस आपके पास क्या था, ρLA था, ठीक है। रो रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, L आपके पास लेंथ था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आपने दोनों की वैल्यू 1 रखी थी तो R किसके इक्वल आ रहा था, रो के। और यह पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास इसकी जो यूनिट बनती थी वो क्या बनती थी, ओम्स बनती थी। फिर आपने आगे डिफाइन किया, चलो सर ठीक है, अगर मैं इससे कंडक्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/R लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, ओम इनवर्स। इसको आप लोग मोह भी लिख सकते हो, इसको साइमन भी लिख सकते हैं। साइमन इसकी एक SI यूनिट होगी, ओम्स और मोह इसकी क्या होगी, CGS यूनिट होगी। थोड़ा यहाँ ध्यान रख लेना, ठीक है। आपको कई जगह मिलेगी जहाँ साइमन्स का इस्तेमाल हो रहा होगा, आपको अलग अलग फॉर्म मिल जाएंगे, तो याद रखना कि वहाँ बात हो रही होगी SI यूनिट की। अगर नहीं तो जनरली आपके पास क्या होगा, CGS सिस्टम की बात करेंगे। कंडक्टिविटी की बात की, कापा से रिप्रेजेंट किया था, C इंटू में सेल कांस्टेंट, C कंडक्टेंस था, G सेल कांस्टेंट था, G स्टार। तो आपको पता है कि कंडक्टेंस आपके पास यहाँ से ओम इनवर्स आया था, और आपके पास सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या थी कि L/A थी, और वो हमारी क्या आई थी आपके पास, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा किसका, कंडक्टिविटी का फार्मूला, और प्लस में आपके पास क्या हो जाएंगे, यूनिट्स हो जाएंगी। ये यूनिट्स इसलिए याद रखनी है कि CBSE के लिहाज से हमारे पास यूनिट्स एक नंबर की आ जाती है, और नहीं तो फिर भी है कि हम फार्मूला रिवाइज हो जाएगा तो हम इस पर न्यूमेरिकल आगे कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए ही ये लिखा था ताकि थोड़ा सा आपको याद रह जाए। सेल कांस्टेंट आपके पास क्या था, L/A से रिप्रेजेंट कर रहे थे, L आपके पास लेंथ थी दो इलेक्ट्रोड के बीच की, तो उसको ले सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास था, तो वो क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात की थी, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कापा इंटू में 1000 अपॉन में n था। कापा की वैल्यू जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग डिस्कस करके आ चुके थे किसके लिए, तो इन्होंने आपसे ऊपर लिख रखा है यहाँ पे कापा की वैल्यू ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स थी। मोलर कंडक्टिविटी लोगे तो सॉरी नॉर्मेलिटी लोगे तो वो आपके पास क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट की हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास इक्विवेलेंट इनवर्स दिखा सकते हो। तो ये आपके पास एग्जांपल हो जाएगा किसका, या यूनिट्स हो जाएगी किसकी, कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी। तो ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, ये आपके पास यूनिट हो जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, आप डिफाइन कर सकते हो अलग अलग वे में। मोलर कंडक्टिविटी की बात करोगे तो कापा इंटू में 1000, तो सिमिलर कापा की वैल्यू आप पुट करोगे, मोलर आपके पास पता है कि मोलिटी हमारे पास क्या होती है, या मोलिटी हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हम लोग पीछे का ही यूज़ करके यहाँ पे मोल ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स रिप्रेजेंट करोगे। रेजिस्टेंस आपके पास R था, R किसके बराबर, रो के बराबर, ये किसके लिए था, ओम्स, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। रेजिस्टिविटी की बात करोगे तो रो इज इक्वल टू क्या था, R इंटू में L, A अपॉन में L, ये रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा जो क्या होगा, ओम सेंटीमीटर, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम लोग पढ़ के आ चुके थे, कंडक्टेंस इंटू में सेल कॉन्स्टेंट यानी कापा इंटू में जी स्टार, सेल कांस्टेंट से रिप्रेजेंट किया था। तो ये कुछ फार्मूले और यूनिट है जिन पे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे अभी, कि न्यूमेरिकल किस तरह से कहाँ से यूज़ किए गए हैं, कहाँ से क्या देखा है। तो यूनिट्स आप प्रॉपर अपनी कॉपी में इसको राइट डाउन कर लोगे और देख लोगे, ये 7-8 अपने फैक्टर पढ़े हैं कंडक्टेंस से लेकर, ये सारे आपके पास कंडक्टेंस, इन्हें एक्वस सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास ये 8 फैक्टर आए हैं, ये 8 के 8 फैक्टर आपके पास क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इन्हीं का डाइल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि भाई अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट था उसके अंदर अगर हम लोग पानी मिला दें, तो इन सब चीज़ों में और भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें देखेंगे, तो उनमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, ग्राफ के थ्रू उनको पढ़ेंगे हम लोग, और भी चीज़ें बताएंगे आपके
पर पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पढ़ेंगे, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे और फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट करिए फिर हम इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी आपने पीछे देखा कि भाई फार्मूले अपन ने सबने डिस्कस कर लिए थे, लगभग लगभग 8 फार्मूले अपन ने डिस्कस किए यहाँ पे और उन 8 की यूनिट डिस्कस की। और उस यूनिट से जनरली एक क्वेश्चन आपको जनरली मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे उसके बारे में। अब उसमें ना एक न्यूमेरिकल है, छोटा सा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है ये, थोड़ा इस पर फोकस कीजिएगा, क्वेश्चंस को थोड़ा ठीक से समझेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे इसको करेंगे कैसे नहीं करेंगे। इसने कहा कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी, जो सेल फिल कर रहा है उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम एंड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल फिल व्हेन फिल विद, किससे कहता है कि 0.2, यानी कंसंट्रेशन आपके पास दोनों जगह अलग अलग दी गई है, एक जगह दी गई है 0.1 मोलर कंसंट्रेशन और एक जगह दी गई है 0.02 मोलर कंसंट्रेशन। फिर आगे बढ़ाया कि दोनों के ही आपके पास जो रेजिस्टेंस है सॉल्यूशन का, वो दोनों का आपके पास क्या दे रखा है, अलग अलग दे रखा है, एक का 100 ले रखा है और एक का कितना ले रखा है, 520 ओम्स ले रखा है। कैलकुलेट करवाया आपसे क्या, तो आपसे कैलकुलेट करवाया कैलकुलेट कंडक्टिविटी ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, कि कंडक्टिविटी कैलकुलेट करवाई है और एक करवाई है मोलर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, कापा से, ठीक है, और दूसरी मोलर कंडक्टिविटी है तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, एम लैम्डा एम, एंड मोलर कंडक्टिविटी और फिर अलग कंसंट्रेशन यानी 0.2 मोलर सॉल्यूशन के लिए आपके पास KCl के लिए यूज़ कर रखा है, क्या KCl सॉल्यूशन के लिए भी कंडक्टिविटी निकलवाई है, यानी इन्होंने कुछ नहीं तो तीन टर्म्स निकलवा लिया आपसे। एक टर्म्स में अगर बात करेंगे फिर आप पढ़ लीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल विद द 0.1 मोलर कंसंट्रेशन KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम्स, रेजिस्टेंस और कंसंट्रेशन दोनों की दे रखी है, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल विद द 0.20 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 520 ओम्स, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन। तो मेरे पास कंडक्टिविटी दे रखी है 0.1 मोलर की, कितनी, 1.29, इसको हमने साइमन मीटर इन्वर्स में लिख रखा है, हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया तो 0.01 पीछे हम लोग पढ़ के आ चुके थे कि भैया आपके पास इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस निकाल रहे थे किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, और वहाँ हमने कुछ 7-8 टूल्स पढ़े थे छोटे छोटे, जैसे कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होता है। देखिए हम फिजिक्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री में हमने बात की थी भाई सॉल्यूशन का डाइल्यूशन या सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी चेक कर रहे थे हम लोग, वो भी किसके थ्रू थी, आयंस के थ्रू, हमने ना तो हमने कोई मेटल वायर लिया ना हमने कुछ ऐसा लिया, हमने सॉल्यूशंस की बात की थी। तो उसी सॉल्यूशंस को देखते हुए हमने क्या किया, क्योंकि हमने एक ऐसे फैक्टर बनाए थे वहाँ पे जिसमें रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी एट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट। तो उसके मैंने ना आपके पास फॉर्मूले लिखे, फॉर्मूले के बाद यूनिट्स लिखी, सारे सेजियस यूनिट थी, कुछ आपके पास जहाँ साइमेंस आ रहा था वो सारे ऐसा यूनिट को रिप्रेजेंट करती है, तो थोड़ा उन यूनिट पे फोकस कर लेना, वो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं जनरली एक एक नंबर के। अब आप फोकस कीजिए न्यूमेरिकल्स पे, तो इस पे न्यूमेरिकल है आपके पास, ये आए हुए हैं AIPMT में भी, JEE मेंस में भी, आपके पास CBSE के अंदर भी, तो थोड़ा सा इन पे ध्यान देते हैं। रेजिस्टेंस ले रखा है कि क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल विद द 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल विद द 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 520 ओम्स, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन। क्वेश्चंस को फिर दोबारा रिपीट करेंगे कि मेरे पास रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल है जो फिल कर रहा है, यानी कंसंट्रेशन दे रखी है सॉल्यूशन की मेरे पास कितनी, तो आपके पास दे रखी है 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है आर, आपके पास कितना, 100 ओम्स। रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल तो आपके पास एक ही कंसंट्रेशन और दे रखी है जिसका रेजिस्टेंस आपके पास क्या दे रखा है, 520 ओम्स दे रखा है। तो कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए, तो कह रखा है आपके पास मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02, यानी आपके पास क्या निकालना है, मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी, यानी आपके पास मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है लैम्डा एम,
ये निकालना है किसके लिए, 0.02 मोलर कंसंट्रेशन के लिए, राइट। और उससे पहले मैं इससे पूछा गया है कि आपके पास कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी से बोले आप किस क्या निकालना है, कापा फाइंड आउट करना है। और उससे पहले इन्होंने क्या रखा है, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन के लिए। अगर मैं हाँ मैं बात करूँ कि 0.1 मोलर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मेरे से क्या निकलवाया हुआ है, आप अगर सीधा सीधा देखो तो सेल कॉन्स्टेंट निकलवाया हुआ है। तो अगर मैं सेल कॉन्स्टेंट निकाल लूँ 0.01 मोलर कंसंट्रेशन के लिए और फिर उसको पुट कर दूँ यहाँ से किसके लिए, कापा फाइंड आउट कर लूँ और फिर वो वैल्यू पुट कर दूँ कहाँ पे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यू, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी के लिए, यानी आपके पास लेमडा एम कापा इंटू में 1000 अपॉन में एम, ये मेरे पास गिवन है 0.02 मोलर कंसंट्रेशन। कापा मेरा यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इस कापा की वैल्यू निकालने के लिए मुझे सेल कॉन्स्टेंट निकालना पड़ेगा। तो मेरे को तीन चीज़ें निकालनी है, पहला ये निकालना है, दूसरा आपके पास फैसरी फर्स्टली ये निकालना है, दूसरा ये निकालना है, तीसरा आपके पास ये निकालना है, तब जाके ये न्यूमेरिकल मेरा सॉल्व होगा, ठीक है। जो मेरे पास कापा की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1.29 साइमन मीटर इनवर्स। तो मैंने इसको मीटर को चेंज करने के लिए इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, क्योंकि बाकी सारी जो यूनिट्स आएगी वो मेरी सेंटीमीटर में आएगी, इसलिए मैंने 0.01929 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स लिया है। तो क्वेश्चन ये है, एक बार थोड़ा सा आप रीड कर लीजिए ताकि मैं आपके पास इसका सॉल्यूशन लिख सकूं और सॉल्यूशन आपको बता सकूं किस तरह से आएगा किस तरह से नहीं आएगा। एक बार थोड़ा रीड कर लीजिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। देखिए अब मेरे पास ये तीन टर्म्स है, ये तीन फार्मूले यूज़ हो रहे हैं सीधे सीधे यहाँ पे। अब आपको यही यूज़ करना है बस, कि पहली बात मेरे पास क्या था, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन के लिए KCl सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। तो अगर मैं यहाँ से सेल कॉन्स्टेंट निकाल लूँ, ठीक है, सी कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, आप इसको लिख सकते हो के इज इक्वल टू आपके पास 1/R और सेल कॉन्स्टेंट, ठीक है। कप्पा की वैल्यू आपके पास क्या होगी, गिवन होगी, तो इन्होंने आपके पास गिवन कर रखी है कितनी, ये रखी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और आर रेजिस्टेंस हो गया आपके पास गिवन है, हम यहाँ से जी निकाल लेंगे। तो कापा कितना हो गया, 0.0129 इज इक्वल टू 1/100 और इनटू में जी स्टार। तो क्या मैं यहाँ से आपके पास जी स्टार की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास वैल्यू आएगी आपके पास कितनी, 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। बोलिए किसी कोई दिक्कत, सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास कि मेरे पास 0.1 मोलर KCl के लिए अगर मैं यहाँ से सेल कॉन्स्टेंट निकाल लूँ, क्योंकि देखो कंसंट्रेशन मेरी अलग अलग है, तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे को इसकी कंसंट्रेशन इसके अंदर, फिर यहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज इसके अलावा कोई मेथड हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मेरे पास यहाँ से सेल कॉन्स्टेंट निकलवा हुआ है, आर निकलवा हुआ है, तो मेरे पास क्या है, कापा अगर मैं निकालूँ तो 1/R इंटू में सेल कॉन्स्टेंट था, तो 1/R मेरे पास कितना हो जाएगा, तो 1/520 और इनटू में आपके पास सेल कॉन्स्टेंट जो मैं यहाँ से लिया है 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास वैल्यू जो आने वाली है वो आपके पास क्या आएगी, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 2.48 × 10⁻³। ये किसकी वैल्यू आ गई, कापा की, क्लियर है। तो कापा की आप यूनिट आपको सबको पता है कि ओम इनवर्स, हम लोग क्या लिख के आए थे, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। तो एक नंबर आपको इसका मिलेगा, एक नंबर आपके पास इसका मिलेगा, राइट, दो चीज़ें होंगी। बोलिए, देखिए मेरे पास क्या था भाई, रेजिस्टेंस था, कंडक्टिविटी ऑफ द सेल फिल विद द 0.1 मोलर। तो मेरे पास एक क्वेश्चन तो यही बन गया यहाँ पर, ठीक है, जिससे मैंने क्या निकाल लिया आपके पास, सेल कॉन्स्टेंट फाइंड आउट कर लिया। फिर एक क्वेश्चन और मेरे पास बना, यदि उसने कहा कि रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल के अंदर फिल विद द कंसंट्रेशन अगर थोड़ी चेंज कर दी, तो मेरे पास रेजिस्टेंस क्या था, तो मैंने उसके लिए क्या निकाल लिया, यहाँ से कापा निकाल लिया। अगले में देखो, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, एंड मोलर कंडक्टिविटी 0.2 मोलर कंसंट्रेशन की बात की है, तो यहाँ मैं अगर पुट करूँ मोलर कंडक्टिविटी 0.2 मोलर, तो कापा कितना था, 2.48 × 10⁻³ और इंटू में कितना कर देंगे, 1000 और अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास, 0.02 मोलर कंसंट्रेशन। तो आपको दिख रहा है कि 1000 से तो ये 1000 वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इससे यहाँ अगर देखोगे तो डेसिमल से डेसिमल यानी 124, ये आपके पास क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी किसके लिए, 0.2 मोलर
कंसंट्रेशन के लिए, 0.2 मोलर कंसंट्रेशन के लिए। यूनिट लिखना हो तो यूनिट आप लिख सकते हो साइवन सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपके पास क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओ सॉरी मोल इनवर्स, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। देखिए ये चीज़ें जरूरी है क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी की बात हुई है तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, मोल इनवर्स की बात कर दी। इक्विवेलेंट की बात होती है तो यहाँ इक्विवेलेंट इनवर्स ले लेते, बात समझ में आ गई। फिर आप क्वेश्चन देख लीजिए एक बार थोड़ा सा ढंग से, तीन फैक्टर में यहाँ क्वेश्चन सॉल्व है, पूरा तीन टर्म्स में इसको सॉल्व किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट आपके पास है क्या, 0.01 मोलर कंसंट्रेशन की बात की थी सॉल्यूशन की, तो हमने यहाँ क्वेश्चंस में देखा कि भाई हमारे पास क्या है और क्या नहीं दिया हुआ। तो कंसंट्रेशन गिवन थी और साथ में रेजिस्टेंस गिवन था, तो रेजिस्टेंस और कंसंट्रेशन का हमारे पास एक कोई ऐसा रिलेशन नहीं था, बट ये था हमारे पास अगर कापा गिवन है तो हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो हमारे पास कापा की वैल्यू थी, हमारे पास आर था, ठीक है, हमने यहाँ पुट किया, हमने यहाँ सेल कॉन्स्टेंट फाइंड आउट कर लिया। फिर आप आगे बढ़े 0.02 मोलर कंसंट्रेशन के लिए, सिमिलर फार्मूला, कापा इंटू में कंडक्टेंस इंटू में सेल कांस्टेंट, यानी कंडक्टेंस आपके पास 1/r इंटू में जी, तो 1/r r की वैल्यू गिवन थी, जी आप ऊपर से निकाल के आए थे, सीधा पुट करके आप क्या निकाल लेते, तो आपने यहाँ फाइंड आउट कर दिया था इस कापा की वैल्यू। दोनों सॉल्यूशन हो गया, आप दोनों को मिक्स कर दिया तो मेरे पास क्या मिला, आपके पास मोलर कंडक्टिविटी थी, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या थी आपके पास, यहाँ से हमारे पास क्या था, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो कापा मेरे पास यहाँ से निकाल चुके थे। किसके लिए निकालनी थी, तो ये थी फॉर 0.02 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन के लिए, तो ये मेरे पास क्या था, फॉर 0.02, तो ये मैं आप निकाल चुका था, 1000 मेरे पास था, कंसंट्रेशन पुट किया 124 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्या, कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोलर, क्या दिया हुआ है आपके पास, कंसंट्रेशन दे रखी है 0.05 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और डायमीटर दे रखा है आपके पास 1 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 1 सेंटीमीटर, और इस उसकी रेजिस्टेंस आपके पास दे रखी है, आर दे रखा है 5.55 × 10⁻³ ओम्स। मुझे कैसे पता लगा रेजिस्टेंस है, क्योंकि हाँ ओम्स यूनिट के थ्रू मैंने डिसाइड कर लिया ये रेजिस्टेंस होगा। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, रो कंडक्टिविटी कापा एंड मोलर कंडक्टिविटी आपके पास लेमडा एम की बात करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, इसमें से आपके पास तीन चार चीज़ें निकलवा ली, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई ये चीज़ कैसे निकाल रहे हैं कैसे नहीं निकाल रहे हैं, और आपको थोड़ा सा पता भी लग जाएगा कि हम लोग इस चीज़ को कैसे पढ़ के आते हैं कैसे नहीं। ठीक है, तो फिर आप एक बार देख लीजिए इसको, कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉलम ऑफ 0.05 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर दे रखा है आपके पास 1 सेंटीमीटर, पाई दे रखा है आपके पास कितना, पाई दे रखा है आपके पास सॉरी ये लेंथ दे रखी है आपके पास 50 सेंटीमीटर, एंड इज 5.5 × 10⁻³ ओम्स। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, नोटेशन मैंने दे दिया आपके पास। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए लेमडा एम कापा इंटू में 1000 / m मोलरिटी। ठीक है, तो ये मेरे पास गिवन है 0.05 मोलर कंसंट्रेशन है, कापा मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, रो आपको पता है कि आपके पास आर जो रेजिस्टेंस होगा रो एल बाय ए, ये आपके पास क्या निकल सकती है रेजिस्टेंस, यानी यहाँ से आप रेजिस्टिविटी निकाल सकते हो, रेजिस्टिविटी के बाद आप कापा पे पहुँच सकते हो, और कापा से आप कापा से जैसे कापा क्या होता है आपके पास 1/ρ, तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, ऑब्वियस सी बात है आपके पास कापा फाइंड आउट हो जाएगा, और कापा की वैल्यू कहाँ पुट करनी है आपके पास, यहाँ पुट करनी है। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता आपके पास कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर से आप एरिया निकाल सकते हो, एरिया भी आपके पास इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए, फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ आपके पास, सोल्यूशन क्या होगा क्या नहीं होगा, फार्मूला आपके सामने है, आपको ट्राई कर सकते हो, इतने में मैं फिर सोल्यूशन बता दूंगा, करिए आप। ठीक है, तो आपने ट्राई करके तो देख लिया होगा इसको, आप अपना ट्राई कर लो, आप देख लीजिए कि भाई आंसर मैच होते हैं या नहीं होते। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपके पास रो निकालेंगे, अब रो से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया आपके पास क्या होता है, तो आप जानते हो कि अगर एरिया निकालेंगे यहाँ से तो एरिया होता है आपके पास सर, एरिया अगर निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर, ये स्क्वायर होता है, तो पाई मेरे पास 22/7 लिखो चाहे 3.14 लिखो,
इनटू में आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 0.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे आप इसको सॉल्व करते हो तो 3.14 इनटू में 0.5 का स्क्वायर, अगर आप इसको मल्टीपल लोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.785, राइट 0.785 इसका आंसर हो जाएगा। क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपके पास एरिया, और एरिया क्या होता है आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रह जाएगा। बोलो, सिंपल सी बात है, क्योंकि मेरे पास डायमीटर दे रखा था, डायमीटर से मैं क्या निकाल सकता हूँ, रेडियस निकाल सकता हूँ, तो 0.5 क्या हो जाएगा इसका रेडियस हो जाएगा। पाई 22/7 रखो चाहे 3.14 रखो, आपके पास आंसर सिमिलर आएगा। तो यहाँ से मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से फाइंड आउट कर लिया मैंने आपके पास एरिया। अब इस एरिया को रेजिस्टेंस आपके पास दे रखा है 5.55 × 10³ रो मुझे निकालना है। एल आपके पास क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है आपके पास 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और एरिया आप निकाल चुके हैं 0.785। बोलो निकाल सकते हो, तो यहाँ से आपके पास क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमारे पास निकल जाएगा रो, और रो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो रो की वैल्यू आएगी आपके पास कितनी, आप कहोगे आपके पास सर रो अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो मेरे पास आएगा 87.135 ओम और सेंटीमीटर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं यहाँ से, इजीली आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा, हमने पहले किया हुआ है तो इसलिए मुझे कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही, आप भी इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे तो आपको भी दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या निकल गया, रो निकल गया, तो कापा मुझे यहाँ पता है कि 1/रो, तो रो की वैल्यू कितनी है 87.135, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करते हो तो कापा यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, तो 0.01148 ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से कापा फाइंड आउट हो जाएगा, याद रह जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे साइमन सेंटीमीटर आपके पास इनवर्स के, ठीक है, याद रह जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, देखिए फिर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर हमारे पास क्या जिक्र हुआ, हमने सबसे पहले यहाँ से एरिया निकाला, क्यों, क्योंकि मुझे एरिया किस लिए ज़रूरत पड़ी, यहाँ पर मेरे पास एरिया मिसिंग था, लेंथ थी, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टिविटी में यहाँ से निकाल सकता था, तो मैंने यहाँ से वैल्यू पुट करी जब इनकी तो मुझे एरिया चाहिए था, तो मैंने एरिया यहाँ से कैलकुलेट किया, जब एरिया कैलकुलेट किया तो मेरे पास क्या आ गई, रेजिस्टिविटी आ गई, रेजिस्टिविटी के बाद मुझे क्या चाहिए था, कापा चाहिए था, कापा क्या होता है 1/रो, रो के लिए हमने क्या किया 1/रो, यानी जो वैल्यू आपके पास इसकी निकली थी उससे हमने क्या निकाल लिया आपके पास, कापा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्लियर है। देखो ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो इजीली निकल जाएगा, और ये प्रैक्टिस का खेल है सारा, अगर आप प्रैक्टिस ढंग से करते रहते हो तो इनमें कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं होगी, अगर प्रैक्टिस ढंग से नहीं होगी तो आपके पास गड़बड़ होगी। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है लैम्डा एम, जिसका हम लोग बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी, और इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, कापा की वैल्यू 0.01148 इंटू में 1000, राइट, ये बिल्कुल ईजी सा है, और मेरे पास मोलर कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.05, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करोगे, सॉल्व करते ही आपके पास आंसर क्या आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 229.6, जो मोलर कंडक्टिविटी निकली कितनी निकली 229.6। तो ये है आपकी क्या निकल जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी, जिसकी आप लोग यूनिट जानते ही हो, इजीली आप इसको लिख सकते हो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल है, ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है, आप आराम से ध्यान दे सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी आपको। अब इन चीज़ों को अगर थोड़ा सा वापस एनालाइज करें तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था कॉलम का, जिसकी कंसंट्रेशन दे रखी थी 0.05 मोलर, डायमीटर दे रखा था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ दे रखा था 50 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस दे रखा था, 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, रेजिस्टिविटी, कापा और मोलर कंडक्टिविटी। तो मुझे ये कैलकुलेट करने के लिए कापा चाहिए था आपके पास, और कापा कैलकुलेट करने के लिए रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए रेजिस्टेंस। तो पहला आपके पास स्टेप ये था, इसके अंदर एक इंडिविजुअल स्टेप ये था, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, और आंसर हमारे सामने। फर्स्ट स्टेप में आपने सॉल्व किया मैथमेटिकली, सेकेंड स्टेप आपके सामने है, थर्ड स्टेप आपके सामने है, न्यूमेरिकल का आंसर आपके सामने है। तो आप इसको इजीली सॉल्व कीजिए, लिखिए, फिर आगे देखते हैं। बेटे देखो ये ना कुछ MCQ हैं जो अकॉर्डिंग टू JEE मेंस
सिंपल सिंपल है, बनाए हुए हैं अकॉर्डिंग टू जेई मीन्स AIPMT, और कुछ हद तक IIT एडवांस तक भी आपके पास साथ दे देंगे। जो अभी तक हमने टॉपिक पढ़े हैं ना, उन पे थोड़ा सा है कि कहते हैं ना, बोलते भाई घुमा के क्वेश्चन आ गया या कुछ ऐसा है, तो घुमा के कुछ नहीं आता, सिर्फ मॉडिफिकेशन चेंज हो जाती है, मतलब पूछने का तरीका चेंज हो जाता है और कुछ नहीं है। चीज़ें वही हैं जो आप लोग पढ़ के आए हैं, जो आपने देखा हुआ है, मतलब कुछ ऐसा कोई ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है। अभी मैंने पीछे पढ़े हुए हैं तो ही मैंने डिस्कस कर लिए कि चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि आपको रिलेशनशिप बताना है किसके बारे में, जी कापा और LA, यानी आपके पास कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और आपके पास ये अभी पढ़ा हुआ है, जस्ट अभी अभी पढ़ के आए हैं हम लोग इसके बारे में। तो आपको पता है कि मेरे पास वहाँ पर जी किसको रिप्रेजेंट करता था, कंडक्टेंस आपके पास क्या था, हमने वहाँ सी से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ जी से रिप्रेजेंट हो रहा है, सी वहाँ पर आपके पास क्या था, कापा आपके पास LA था, LA था या AL था, उनको अगर डिस्कस करते हुए तो हमने एक रिलेशन पढ़ाया कि भाई आपके पास कंडक्टेंस, कापा और इनका, तो एक MCQ है, तो इसका सीधा सीधा अगर आंसर मैं देखूंगा तो मुझे याद है कि हमने जो कंडक्टेंस का रिलेशन पढ़ा था वो आपके पास कापा यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बारे में बात हो रही थी। तो आपने लिखा था कि 1/R लिखा था या 1/ρ लिख के हम लोग लेके चल रहे थे, और ये क्या था आपके पास सीधा सीधा AL था। तो मेरे पास सीधा सीधा इसका आंसर मिलेगा कि क्या लिखेंगे इसको, कि G(2) में आपके पास K(2) में AL, ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशन था जो हम लोग पीछे पढ़ के आए थे। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में देख सकते हैं किस तरह से आया हुआ, किस तरह से नहीं आया हुआ, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन जनरली पूछे जा सकते हैं, और आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसे रिलेशन कहाँ हमने पढ़े थे, इसलिए मैंने पहले एक फार्मूला पूरा पैटर्न बनाया और सारे फार्मूले लिखे, सारी यूनिट्स लिखी। यूनिट्स लिखने के बाद मैंने आपको टाइम दिया कि आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करके रखना, क्योंकि देखो जब उस समय पूछा जाता है ना तो हमारा दिमाग जो है ना, मतलब रटा रहता है कि हमने चीज़ें ना रट रखी हैं और हमें याद है फार्मूले इस तरह से। तो आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन भी याद रखना पड़ेगा कि शुरू से हम लोग जब रिलेशन ड्राइव करके आ रहे थे तो क्या था क्या नहीं था। तो ऐसे MCQ में थोड़े से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ x इज ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट दे रखी है आपके पास, ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड y द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, दैट मींस मोलर कंडक्टिविटी पूछी है कि आपके पास क्या होगी इज गिवन बाय। तो मोलर कंडक्टिविटी अगर आपको याद होगा तो हमने थोड़ा सा ऐसे लिखा था, अगर आपको याद हो, मोलर कंडक्टिविटी कापा इंटू में 1000/m, सिंपल सी बात है, आपको साफ साफ दिख भी जाएगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे रखा है जिसको इन्होंने किसका नाम दे रखा है, एक्स का, और आपके पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड वाई को मोलरिटी रिप्रेजेंट कर रखा है। तो सीधे सीधे अगर मैं देखूं तो आपके पास आंसर मेरे पास क्या मिलेगा, भाई 1000x/y, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है ये इसको ड्राइव करके चलेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर सीधा सीधा देखें तो मेरे पास क्या मिलेगा, ये आंसर जो इसका होगा कि 1000x/y, जो डायरेक्ट आपको फार्मूले को फिल करता है और फार्मूले को आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि हमने यही दो फार्मूले ऐसे पढ़े थे, एक तो ये पढ़ा था और एक आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के अलोंग कापा इंटू में 1000/n ये पढ़ा था। तो ये दोनों रिलेशन है। अगर मैं नीचे वाले भी क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ तो साफ ये नीचे वाला क्वेश्चन उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंसेंट्रेशन एन। तो ऑब्वियस सी बात है, साफ से आपको दिख रहा है कि हम इसको फार्मूले को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आप फोकस करोगे ना तो लैंग्वेज को पकड़ना आ जाएगा, एक्चुअल में देखना आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। देखो रिपीटेड क्वेश्चन तो आते नहीं, जनरल है, कुछ नए क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, तो उन पर थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। तो ऐसे MCQ आपको करने हैं, पहले ट्राई करने हैं, खुद से देखने हैं, जितने होते हैं ठीक है, नहीं होते तो फिर हम बैठे हैं, हम करवाएंगे आपको, ठीक है। इसको देखिए, आप करिए, देखिए मेरे पास एक पेपर है और इस पेपर में आपके पास दे रखा है क्वेश्चन है, दो MCQ हैं, उन MCQ के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस है किसका, कहता है रेजिस्टेंस ऑफ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन है, डेसी मोलर सॉल्यूशन है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन रेजिस्टेंस दे रखा है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, यानी दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस दे रखा है कितना, 0.02 meter, और 0.0004 meter square आपके पास दे रखा है उसका एरिया, और पूछा है फाउंड टू बी 50 ohm स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछी हुई है आपसे, यानी कापा पूछा हुआ है। अब कापा को निकालने के लिए फिर एक बार आप क्वेश्चन डिस्कस करिए कि क्वेश्चन थोड़ी आपके समझ में आ जाए कि रेजिस्टेंस दे रखा है आपके पास, रेजिस्टेंस ऑफ ए डेसी मोलर सॉल्यूशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड 0.02 meter apart,
और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है आपके पास 0.004 मीटर स्क्वायर, वाज फाउंड टू बी 50 ओम्स, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछा गया आपसे, कापा पूछा गया है। और आपको पता है अगर मैं कापा के लिए फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करूं तो C इंटू में जी स्टार था, राइट। और C मेरे पास क्या था, 1/r था, और G आपके पास था L/a था। ये फार्मूला बनेगा, आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली, तुरंत निकल जाएगा आपके पास कापा क्या आएगा, कापा क्या नहीं आएगा, तो मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए। तो अगर आप इसी में सीधा सॉल्व कर लीजिए कि सर रेजिस्टेंस आपके पास दे रखा है 1/50 ओम और L दे रखा है आपके पास लेंथ 0.02, एरिया दे रखा है 0.004, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी क्या निकालना है मेरे पास कापा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करते ही मेरे पास आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, तो आप यहाँ से सॉल्व करके निकालोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास कितनी, ये आ रही है आपके पास यहाँ से 50 और यहाँ से 0.02, तो वैल्यू आ जाएगी 1 साइमन मीटर्स इनवर्स, यानी ऑप्शन मेरे पास क्या बनेगा, बी, ठीक है। फिर देख लीजिए रेजिस्टेंस था आपके पास 1 डेसी मोलर सॉल्यूशन का बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ था जिसको आप सेल कांस्टेंट यानी L/a से लेते हो। कंडक्टेंस आपके पास 1/r था जो रेजिस्टेंस को हम लोग ने पुट किया, और क्या निकाल लिया, डायरेक्ट निकाल लिया आपके पास, ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर देख लीजिए आप लोग पढ़ लीजिए इसको। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि रेजिस्टेंस है किसका, कहता है ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन, 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इन ए कंडक्टेंस ऑफ सेल इज 300 ओम्स, यानी यहाँ भी आपके पास क्या दे रखा है, आर दे रखा है रेजिस्टेंस, और कंडक्टिविटी आपके पास दे रखी है 0.013 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट। कि अब आपसे यहाँ क्या क्या करवाया है, सेल कांस्टेंट, यानी अगर मैं यहाँ पर यही फार्मूला लूँ कि कापा इज इक्वल टू सी इंटू में सेल कांस्टेंट L/a, तो अगर यहाँ आइडेंटिफाई करें तो कापा क्या था 1/r इंटू में जी स्टार, तो मुझे क्या निकालना है, जी स्टार निकल जाएगा आपके पास। तो कापा की वैल्यू कितनी दे रखी है, कापा की वैल्यू दे रखी है आपके पास कितनी, 0.01, यानी कापा की वैल्यू दे रखी 0.013, और आर की वैल्यू दे रखी आपके पास 1/300, यहाँ से क्या निकलवाया हुआ है, जी स्टार निकलवाया हुआ है, तो जी स्टार की वैल्यू निकाल लीजिए आपके पास कितनी आएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 0.013 इंटू में 300 और जी स्टार, तो मुझे क्या निकलेगा आपके पास, सीधा आंसर आएगा आपके पास कितना, तो आप निकाल सकते हो सर मेरे पास 33.9, क्योंकि 300 है ना, हाँ, तो 3.9 आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब 3.9 में भी देखिए सेंटीमीटर इन्वर्स लेना है या मीटर इन्वर्स लेना है, तो थोड़ा इस पर ध्यान रखने का, क्योंकि जो वैल्यू आनी है वो मेरी सेंटीमीटर में आएगी, तो सेंटीमीटर इन्वर्स, क्योंकि मेरे पास जो जी है वो L/a होता है, और इसका होता है सेंटीमीटर, इसका होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो थोड़ा यूनिट पर फोकस कर लेना क्योंकि कन्फ्यूज़न यही रहेगी। ये देखिए और इसको देखिए थोड़ा सा, तो सिर्फ और सिर्फ आंसर सिमिलर आ रहे हैं, बस यूनिट का फ़र्क है, तो कहीं ऐसा नहीं है जो उसमें होश खो जाओ कि थोड़ा थोड़ा जल्द निकलते ही आपको सोच ले कि भाई ठीक है ये तो है, क्योंकि देने वाला बड़ा दिमागदार होता है, वो इसको ऊपर कर देगा इसको नीचे कर देगा, यानी यूनिट्स को चेंज भी कर सकता है, ऊपर मीटर इन्वर्स लिख देगा नीचे सेंटीमीटर इन्वर्स, तो थोड़ा सा वहाँ दिक्कत ना हो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं आप इनको फॉलो करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इनके डाइल्यूशन।